नमस्कार किसान भाइयों, जय किसान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं न्यू विश्वकर्मा एग्री इंजीनियरिंग वर्ष सिरसा रोड एलनाबाद हरियाणा। इनका सर का जो ब्रांड है, बैक टोकरी, साइड टोकरी, मूंगफली मशीन, सारी मशीन बनाते हैं, जिसमें से एक मशीन जो बैक टोकरी मॉडल खड़ा है, इसके बारे में हम सर से पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जय किसान यूट्यूब चैनल का, हमारी एनविटी कंपनी में और आपकी पूरी टीम का यहाँ पहुँचने पर हमारी ओर से और हमारे पूरे कस्टमर और पूरी एनविटी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, आपने हमको इनवाइट किया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सर ये जो बैक टोकरी मॉडल खड़ा है जी, इसमें कितने मॉडल आते हैं? सर ये एनविटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल है। हाँ जी, इसके अंदर तीन मॉडल है। हाँ जी, हाँ जी, 42, 45 और 48 जी। हाँ, और ये मॉडल जिसका हम आपको ये दिखा रहे हैं, हाँ, ये 45 एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल है। अच्छा अच्छा जी। सर इसकी बात करें जी, तो ये कौन कौन सी फसल निकालने में सक्षम है? ये सर फसल तो जो धरती माता जो फसल पैदा करती है, एनवीटी का जो भी प्रोडक्ट है वो सभी तरह की फसल निकालता है। वैसे मेन फसल की अगर बात करें तो ग्वार, बाजरी, सरसों, चना, मूंग, मोट, मेथी, ये सब, धनिया, जीरा, रायडा, गेहूं, तुअर, मक्का, हर तरह की फसल ये निकालता है सर। ये सर हम जहाँ जाते हैं जी, ये पीले कलर की और जो एनवीटी ब्रांड है जी, ये हमको रोड पे चलता हुआ दिखता है, रोड पे दौड़ता हुआ और खेत में चलते हुए दिखता है जी। तो ये किसानों की पहले, आपने ऐसा क्या जादू कर दिया इस मशीन में कि किसानों की पहली पसंद बनता जा रहा है? सर देखो, ग्राहक की संतुष्टि हमारा लक्ष्य है। हाँ जी, हाँ जी। और हमने ये नहीं है कि हमें थ्रेसर बेचने का मतलब नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हमें थ्रेसर बनाने से लेकर के और किसान तक के पास, हाँ, खेत में चलने और लाइफ टाइम तक ही हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जी, हाँ जी। ये इसका मेन कारण है सर। थोड़ा सा सर इसके सिस्टम पे चलें अपन जी। इसमें जो एलिवेटर लगाया हुआ है ये काफी मजबूत है जी, ये काफी मजबूत है। हाँ। अदर्श थ्रेसर में जो एलिवेटर रहते हैं उसमें टूट फूट का डर रहता है, डर नहीं टूट फूट ही जाते हैं जी। इसका आपने ऐसा कुछ किया, ऐसा क्या कुछ किया है कि ये बिल्कुल सालों साल चलने वाला आइटम है? सर इसके अंदर 1 इंची की हैवी ड्यूटी की चैन लगी हुई है। हाँ जी, इस एलिवेटर के अंदर। हाँ जी, और 15 इंची का इसका बक्सा है, 6 इंची चौड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। और इसकी जो कटोरी, हाँ जी, हाँ जी, 14 गेज की, हाँ, यानी ये मान के चलो कि 2 mm मोटी लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें किसी तरह कोई शिकायत है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। 1 इंची मोटी चैन, बराबर 2 mm की कटोरी लगी हुई है। हाँ इसके अंदर 5.5 इंची बड़ी, हाँ जी, और हाँ जी, बहुत ही बढ़िया ईटी के कंपनी के इसके अंदर बैरिंग लगे हुए हैं, और इसमें किसी तरह की कोई शिकायत है ही नहीं। चादर भी 2 mm की लगी हुई इसके सर इसके अंदर। हाँ सर, थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। हाँ, इसमें फैन का सिस्टम जी, इसमें फैन का सिस्टम और रोटर का सिस्टम, इसकी स्पीड कैसे बढ़ाई और घटाई जा सकती है? देखो सर, इसके अंदर मेन जो है आगे 4 स्टेप की पुलियां दी हुई है। हाँ, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। हाँ जी, हाँ जी। किसान अपनी फसल के हिसाब से इसके आरपीएम कम ज्यादा कर सकता है। बराबर। बेल्ट सेम रहेगी, केवल ग्रिप आगे पीछे किया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, इसका जो ट्रैक्टर में अटैचमेंट का सिस्टम है जी, वो भी आपने काफी यूनिक दिया हुआ है जी। इसका शेप भी इतना बढ़िया है कि ये ट्रैक्टर में ले जाते समय जी, अदर्श थ्रेसर में क्या है, इस टाइप का रहता है जी, वी टाइप का रहता है जी, लेकिन आपने इस टाइप का दिया है, इससे किसानों को क्या फायदा है? देखो सर, सबसे मेन बात ये है कि हमारे जैसे मशीनें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तेलंगाना में गई, हाजी, हाजी। तो वहां पर क्या था, जो जितने भी नए मॉडल के ट्रैक्टर हैं उनका हुक बिल्कुल ट्रैक्टर के साथ सटा हुआ लगा हुआ है, ठीक है, और जैसे भी उसको वो घुमाते हैं ना, तो ये यहाँ पर चेसिस में टकर जाता है। जो पुराने मॉडल के ट्रैक्टर थे, यानी 95 मॉडल हो गया, यानी 2000 मॉडल के पहले पहले, उनका हुक काफी लंबा था, और नए मॉडल के ट्रैक्टर को हुक काफी छोटा है, और हमने इसकी जो इसका आगे लगा हुआ है, मतलब हाँ, इसको हमने इसकी लंबाई ज्यादा करके इसकी बेंडिंग इस ढंग से दे दी ताकि किसान जो है अपने ट्रैक्टर को 90 डिग्री पर घुमा दे तो भी इसके साथ नहीं टकराएगी सर। सर ये जो मशीन इतनी भारी मशीन है जी, इतना अधिक आउटपुट इसका है जी, बट आप इसको बताते हैं कि 35 HP में भी ये मशीन चल जाती है, इसका रीजन बताइए। सर इसका कारण ये है
कि थ्रेसर अपने अंदर इसका ड्रम जाल बड़ा लगा हुआ है, जैसे ड्रम जाल की बात इधर आओ आप, मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। जैसे इसका ड्रम का जो साइज है, इसका राउंड काफी बड़ा है। हाँ जी, हाँ ठीक है, 42 इंची है। हाँ और इसके साइडों में व्हील हैवी लगे हुए हैं। हाँ जी, इसके तकरीबन जो 45 इंची है, तकरीबन 216 के लगभग इसके अंदर ब्लेडें लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। जाल की लंबाई भी इसकी ज्यादा है। अच्छा। व्हील बड़े हैं, व्हील ड्रम का राउंड यानी ड्रम का घेरा, ड्रम का साइज बड़ा होने की वजह से ट्रैक्टर पर लोड भी नहीं पड़ता, बिल्कुल ना के बराबर लोड पड़ता है इसमें। सर इसमें हमने देखा है चलती हुई मशीन को जी, इसमें नीचे जो तिरपाल वगैरह है जी, वो लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें आपने ऐसा क्या कुछ किया है कि बिल्कुल इसमें किसान का अनाज बिल्कुल साफ स्वच्छ और भूसा बिल्कुल बारीक निकलता सर, है। सर इसके अंदर 3 जालियां तो लगी हुई है। हाँ जी, चलने जी, के अंदर। हाँ जी, हाँ, लेकिन चौथी हमने नीचे फिक्स चादर लगा दी जी, जी नीचे जी। वाली, ताकि जो भी मिट्टी आती है, हाँ जो जी, हाँ निका छोटा बहुत वो कचरा वगैरह आता है, हाँ जी, वो हाँ जी। अलग नूली से बाहर निकल जाता है। नीचे अच्छा, चादर तिरपाल बिछाने की जरूरत ही बिल्कुल नहीं पड़ती। आवश्यकता नहीं लगे। हाँ ये सर ऐसा क्या सिस्टम लगाया हुआ है जी, यहाँ से गांठली आती है और ये वर्म लगा है जी, इसका थोड़ा हमारे किसान भाइयों को उपयोग बताइएगा। देखो अनाज में थोड़ा बहुत कचरा आ जाए, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा बहुत कचरा इस नोड़ी से बाहर आ जाता है। हाँ जी, हाँ बाहर जी, आने से ये रिटर्न पाइप में चला जाता है, बराबर रिटर्न से सर। पाइप में घूम करके ये पीछे डोली में चला जाता है। हाँ जी, हाँ जी, किसान को बट्ठल या वो कोई ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती, हाँ जी, हाँ ताकि जी, वो बट्ठल भर भर के पीछे डोली में लेके जाए। बराबर रही सर। बात ऊपर के नूड़ा, इसके अंदर जो ऊपर वाला नूड़ा लगा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, इसके अंदर जो बड़ी डोंखली आती है, जैसे राजस्थान में ग्वार वगैरह जब निकलता है, हाँ जी, हाँ तो जी, उनको चारे के चारा और डोंखली अलग अलग निकालने की जरूरत होती है। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, इसलिए इसकी ये प्रेशर प्लेट तकरीबन आधा इंची ऊंची करोगे, जी 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 पूरी की पूरी डोंखली और बाहर निकल जाएगी सर। अदर थ्रेसर में कुछ दाने फेंकने की समस्या रहती है, जी। लेकिन NBT जो थ्रेसर है इसमें कहीं से कहीं ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जिससे कि किसान का एक भी दाना बाहर नहीं जाता। देखो NVT जो थ्रेसर है, हाँ जी, इसके हाँ जी, अंदर ड्रम जाल जी 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 चलना और मेन शाफ्ट की दूरी का जो गैप है, हाँ जी, हाँ वो जी, काफ़ी अन्य थ्रेसर से, हमारे भी जो पहले प्रोडक्ट थे उनसे काफ़ी ज़्यादा है। जी 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 और पंखा जो है केवल कचरे को ही पकड़ता हाँ है, जी, हाँ जब जी, तक पंखे की रेंज में हाँ जी, हाँ जी, दाना जाता है हाँ उससे जी, पहले चलने में नीचे झड़ जाता है। बराबर सर। इसलिए दाना उड़ाने की NVT++ गुजरात मॉडल हाँ जी, या हाँ जी, NVT++ 5-स्टार या NVT रेगुलर के अंदर ऐसी समस्या नहीं है सर आपने एक नया सिस्टम भी लगाया हुआ है जी। यहाँ से वैक्यूम बंद करने का, और ये एक पाइप या चौकोर यहाँ से दिया है, ये सिस्टम क्या है सर? सर देखो ये रिटर्न पाइप लगी हुई है, हाँ जी, जैसे ही फिल्टर ने माल उठाया, हाँ जी, हाँ जी, फिल्टर ने माल उठाया, हाँ जी, हाँ जी, अगर इधर फेंकते हैं फिल्टर को, नीचा करते हैं, तो हो सकता है इसके साथ फिल्टर को दाना खींच ले। बराबर, लेकिन इसका मुंह आगे से बंद किया, हाँ जी, हाँ बंद जी, करने ये वापस रिटर्न ड्रम के अंदर चला जाएगा अच्छा, वो जी। साफ कर, साफ होके फिर से वापस आ हाँ जाएगा। चला जाएगा और सर टोकरी की बात करें जी तो ये तो दिनों का काम घंटों में करने वाली मशीन है, जी तो काफी चौड़ाई भी दी है, ओवर जी भी बहुत शानदार दिया है जो कि माल को बिल्कुल सेंटर से ले जाएगा। जी ऐसा इसमें क्या कुछ खास है कि जी जो किसान को बहुत सहूलियत प्रदान करता है? सर इसकी डोली की जो गहराई है हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा है, हाँ जी, हाँ और जी, इसके अंदर डोली में रोलर भी 3 लगे हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी, ताकि ड्रम से लेकर इसकी दूरी काफ़ी लंबी है। जी जी जितना जी भी किसान इसमें माल डालेगा जी 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 आसानी से रोलर अंदर ले जाएगा बराबर सर। जी। सर कुछ इसमें लीवर वगैरह भी लगे हुए हैं, हाँ इन लीवरों का किसान भाइयों को क्या उपयोग है? जैसे देखो एक सर, हैंडल दिया चलती लगा है। मशीन में अगर कोई बट्टल बाल्टी या ट्रैक्टर लोड ले गया, हाँ तो जी, हाँ जी, किसान ने इसको आइटल किया और ये अच्छा पीछे की अच्छा पीछे मशीन पूरी रुक जाएगी, हाँ जी, हाँ जी, ये आइटल का काम करेगी हाँ जी, हाँ जी, पीछे मशीन को रोकने के लिए बराबर सर जी और सर एक लीवर और दिया हुआ है जो जी काफी आसान है ये हाँ ये वाला इसका। लीवर जो है सर, हाँ जो जी, है कोई गिल्ला माल कचरा डोंखली वगैरह आगे, जैसे मूंग थोड़ा बहुत गिल्ला निकालते हैं, तो ये जो फालतू का माल है खिड़की से बाहर निकल जाएगा, हाँ जी, जिसको हाँ ऊंची करके लगा दो, जितना जरूरत है उतना मशीन खाएगी, बाकी जो फालतू है वो बाहर निकाल देगी। सर, इसके वेट की बात करें तो कितना वेट है सर मशीन का? इसके अंदर अगर 45 की बात करें तो 350-3300 किलो वजन है सर जी इसका, जी जी तो सर 3300 से इतनी, लेकर 3500 हाँ जी, हाँ किलो जी, इतना भारी मशीन है सर, जी। इसका वेट माने सहन करने के लिए हैवी एक्सल और टायर जी की आवश्यकता होती है। सर ये राजस्थान में जो चलता है, इसके 12-16 के टायर हम लगा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, और जो आप सामने देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ पक्की जमीन है, वहाँ 916 के टायर लगते हैं, हाँ जी, हाँ और जी, एक्सल इसका 45 इंची के अंदर हाँ जी, जो हाँ जी, 63 mm का एक्सल लगा हुआ है, बराबर से, और बिल्कुल हैवी है, हाँ जी, हाँ और जी, हाँ काफ़ी इसकी चौड़ाई भी है, ताकि जी, हाँ मशीन जी, पलटा भी ना बिल्कुल, खाए, बिल्कुल,
किसान कितनी भी दूरी में अपने ट्रैक्टर को ले जाकर वो मोड़े, कोई दिक्कत नहीं आती सर। सर इसकी अपन बात करें जी, आपने इसकी ड्रम की जो स्पीड है जी, अंदर जी वो भी विभिन्न प्रकार से पुल्ली लगाई हुई है जी, जिससे किसान को जो बारीक से बारीक फसल है जी वो भी निकाल सकता है और हैवी से बड़ी फसल भी निकाल सकता है। उसको थोड़े से बदलने का तरीका बताइए। ये देखो सर, इसके साइड में तीन पुली लगी है। पिछले साल जो हमने एनवीटी प्लस प्लस मॉडल बनाया था उसके अंदर दो पुलियां थी, लेकिन इस साइड के अंदर हमने तीन पुलियां लगाई हुई है। ये खिड़की खोल के किसान आसानी से आरपीएम कम ज़्यादा कर सकता है। ये एक नंबर है, यहाँ पर फूटने वाला अनाज जैसे नरम है, चना या सरसों की बात करें यहाँ निकलेगा, धनिया वगैरह की बात करें। दो नंबर पे थोड़ा सख्त जैसे ग्वार की बात करें या अन्य फसलों की बात करें, और तीन नंबर पे भी किसान अपने हिसाब से आरपीएम कम ज़्यादा करके गिल्ली व सूखी फसल को निकाल सकता है। और अगर गिल्ली की बात करें, अगर पौधे को हाथ से लेके तोड़ेंगे आधा टूट जाएगा आधा मुड़ जाएगा, उतनी नमी वाला ये थ्रेसर माल निकालेगा। बराबर सर। सर इसमें जी जो आपने गियर बॉक्स लगाया हुआ है जी, और इसमें जो पीटीओ वगैरह से चलने वाले सिस्टम लगाए हुए हैं जी, काफी शानदार है। थोड़े किसान भाइयों को ये भी बताइएगा। देखो सर, ये खालसा एग्रीकल्चर बरनाला का हैवी ड्यूटी का गियर बॉक्स लगा हुआ है इसके अंदर, और इसके क्रॉस भी जो है पूरी हैवी ड्यूटी के लगे हुए हैं। चाहे वो पीटीओ शाफ्ट की बात करें या बेल्ट बैरिंग की बात करें या इसके अंदर ये साइड वाली की भी, चाहे नीचे की पुली ऊपर कर लो, ऊपर वाली नीचे कर लो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है सर, सभी का एक ही साइज है। सर आपका थ्रेसर और आपका ब्रांड गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है जी सर, इसको सर किसान भाइयों को या किसी डीलर को यहाँ बेचने के बाद आपकी क्या सर्विस रहती है? सर हमारी कंपनी की ओर से 24 घंटे हम ऑनलाइन है, किसी भी कस्टमर को हमारे इस प्रोडक्ट एनिविटी में दिक्कत आती है वो कभी भी कंपनी के नंबर पे डीलर के नंबर के कॉल कर सकता है और उसको जल्द से जल्द सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। बिल्कुल सर, आपने सर इतना महत्वपूर्ण समय निकाल के इस थ्रेसर की एक एक खासियतों के बारे में बताया और किसान भाइयों को हमारे माध्यम से इस आपकी जो बात है हम पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर बहुत बहुत और उन किसान भाइयों का धन्यवाद जी, जी, जो बारी बारी हमारे वीडियो देख करके हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, और खाली लाइक भी नहीं, वो थ्रेसर को खरीद रहे हैं सर, बिना झिझक लिए वो थ्रेसर को खरीद रहे हैं, किसी तरह की उसको कोई टेंशन नहीं है सर। ये आपकी मेहनत और आपकी मशीन की क्वालिटी का कमाल है। हिंदुस्तान की नंबर वन एनबीटी जो विश्वकर्मा थ्रेसर है, नंबर वन मशीन है जी। देखो सर, नंबर वन बनाने वाले किसान है, हमें तो पता ही नहीं चला कि नंबर कौन से होते हैं, ये किसान ही नंबर देने वाला है सर। बराबर सर, ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय जवान जय किसान।